बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शवारमा, होममेड शवारमा। तो सबसे पहले आपने ये मैरिनेटेड चिकन लेना है। इसको मैंने नमक मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के मैरिनेट कर दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कुक कर लेंगे 15 से 20 मिनट में, या 10 से 15 मिनट में ये कुक हो जाएगा। इसको अच्छे से कुक कर लेना। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच जो है ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हमने डालनी है कैप्सिकम एंड कैरेट। इनको थोड़ा 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको सौते करना है, कैप्सिकम को और कैरेट को। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और जो हमारे पास कैबेज रखी हुई है, अब इसमें हम वो ऐड करेंगे। और इसको भी हम इसको हम अच्छे से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद ये एक चम्मच जो है इसमें मायनीज और साथ सॉस मिक्स की हुई है इसको ऐड करेंगे। फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने बना कर रखा हुआ है। फिर इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बनाएंगे हम। फिर थोड़ा हमने इसके अंदर सॉस ऐड करनी है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिल्ली सॉस ऐड कर दें। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप इसमें केचप भी ऐड कर सकती हैं, साथ आप कुछ मायनीज ऐड कर दें। फ्लेम आपने यहाँ पे आके बंद कर देना है। इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है, पकाना नहीं है। इसके बाद हमने जो शवारमा ब्रेड ली हुई है डॉन की है, आप कोई भी ब्रांड ले सकती हैं। हल्का सा ऑयल लगा के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको गोल्डन सा ब्राउन कर लेना है। फ्लेम आपने लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी। और लाइट आंच पे इसको लो फ्लेम पे आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल लाइट हो जाती है, फूल कर बिल्कुल लाइट वेट हो जाएगी ये। ये देखिए इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है। अभी हमारी रेडी है, इसको अब हम उतार के प्लेट में रखेंगे। बटर पेपर के ऊपर रख लेंगे इसको। साथ हमने सॉस लगाई है, सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो हमने इसके ऊपर हमारा मटेरियल तैयार है चिकन का, वो इसके ऊपर लगाएंगे। और पर मायनीज लगा देंगे हम, जिससे ये और मज़ीद यमी हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है, आप घर में इजीली बना सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकती हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही टेस्टी बनता है, कोई मुश्किल भी नहीं है इसे बनाना। इसको अच्छे से रोल करेंगे और अब ये रेडी है खाने के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आप नई नई डिशेस को एंजॉय कर सकें। ओके।
अल्लाह हाफिज़।